कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज और आज हम टॉपिक ले रहे हैं किचन में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। तो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल में लाल वाला बटन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जिन्होंने कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप कमेंट बताते जाइए, मैं नए वीडियोज बनाता जाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहली आपको बात ध्यान रखनी है वो रखनी है अपने शूज की। आपके जो शूज हो सेफ्टी शूज और एंटी स्किड हो और हल्के वाले हो, तो जिससे कि क्या होगा कि किचन में जैसे कि हमारी जो सरफेस होती है हमेशा गीली रहती है, आप लोग फिसल के गिर जाते हैं अगर आप नॉर्मल अपने जो स्पोर्ट्स शूज पहनते, तो आपको हमेशा एंटी स्किड शूज पहने हैं और जो कि सेफ्टी शूज हो, तो इससे आप गिरने से बचेंगे और फिसलने से बचेंगे और आपको चोट नहीं लगेगी। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है हमारी सेफ्टी बेल्ट की। अर्ली एजेस में जब हम लोग यंग होते हैं 20-22 साल के, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, पर हम जैसे जैसे धीरे अपने 30 प्लस हो जाते हैं 35 प्लस तो हमारी कमर में दर्द होने लग जाता है। तो ये होता क्यों है कि हमने जो अर्ली स्टेजेस पे होता है सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया होता है। तो जब भी आप लोग कुछ भी हैवी उठा रहे हैं, कुछ भी भारी उठा रहे हैं, बड़े बड़े पतीले भगोने, बास्केट्स, गैस सिलेंडर या कुछ भी भारी चीज जो अपने वजन से ज्यादा है, तो कृपया करके अकेले ना उठाएं, किसी दूसरे का सहारा लें और सेफ्टी बेल्ट का सहारा लें, जिससे कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रहती है और आपको जो सामान को उठाने में आसानी रहती है और जो वजन जो भार का जो वजन है आपकी कमर पे नहीं आपके पैरों पे आता है। अगर आप चाहे तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा किस तरीके से हमें उठाना चाहिए, नहीं तो आप दूसरी वीडियो का भी रेफरेंसेस ले सकते हैं। तो ये होगी हमारी दूसरी बात। तीसरा, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आपके किचन में जो भी आपके फायर एग्जिस्ट के प्लान है। प्लान का मतलब है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि आपको कहां से बच के निकलना है अगर किसी भी स्थिति में आपके किचन में आग लगती है, या फिर आपकी जो फायर की टीम होती है या जो भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं आपको, उसमें बताया जाता है कि अगर आपकी आग यहाँ से लगी है तो आपको कहाँ पे इकट्ठा होना है, किस तरीके से बचना है, आपके जो फायर ब्लैंकेट्स होता है किचन में उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये होगी हमारी तीसरी बात। चौथा, अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सिखाया जाता है अगर छोटी आग है, और या फिर आपको फायर ब्लैंकेट का यूज जो कि सिखाया जाता है। और जब सबसे कॉमन आग होती है हमारे किचन में वो लगती है हमारी डीप फैट फ्रायर में, मतलब कि जिसमें कि हम लोग तलते हैं, मान लीजिए पूरियां तल रहे हैं या फ्रेंच फ्राई तल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा आग लगती है। तो उसमें सिखाया जाता है कि उसमें आग लग जाए तो हमें किस तरीके से उसका बचाव करना है। तो ये चार बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है और जिससे कि आप बच पाएंगे किचन में और अपनी सेफ्टी कर पाएंगे। और एक सबसे कॉमन जो हम एक तरीके से अपने कुलीग्स के साथ मजाक भी करते हैं, जो लोग नए नए आते किचन में, मान लीजिए तेल गर्म होते, तेल में चेक करके आप बता दो कि तेल गर्म है ठंडा, तो आप कोई कोई तो गर्म तेल में ही उंगली डाल के चेक करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ना कीजिए। और आप लोगों को भी ध्यान रखना है जब भी आप किचन में जाएं तो किसी भी हॉट सरफेस को, किसी भी सरफेस को आप डायरेक्ट हाथ ना लगाएं, हो सकता है कि वो गर्म हो जो आपने कभी सोचा ना हो। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे जहाँ पे हम लोग अपनी प्लेट्स रखते हैं, जो सरफेस होते हैं जहाँ से हम लोग खाना पिकअप करते हैं, तो अगर उसको ऑन करके रख दें तो जो नीचे वाली सर्फेस होती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, अगर हम उसे टच करेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है, या हम तंदूर के साइड में खड़े हैं तंदूर के सरिये हो गया वो भी गर्म होते हैं, या कोई भी पैन या पॉट का जो हैंडल है वो कुछ समय बाद अगर हम लोग पकाने के रखें तो गर्म हो जाता है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है जिसकी कारण आप भी सुरक्षित रहेंगे और लंबे समय तक किचन में काम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करूंगा, शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, वीडियो में मेहनत से बना रहा हूं और जो मैंने पिछला गिव अवे भी कर दिया है और अब नया गिव अवे मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।